आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आई एन एस प्रॉक्सी एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन में कैसे यूज़ करेंगे तो गाइज़ अगर आप भी जानना चाहते हो आई एन एस प्रॉक्सी एप्लीकेशन क्या है और इसे अपने फ़ोन में कैसे यूज़ करें तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए वीडियो शुरू करने से पहले गायज अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में इस बेलाइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए तो चलिए यहाँ पर हम इसे जो है इस ऑल पर सेट कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर गैस आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाना है और इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना आई एन एस प्रोक्सी एप्लीकेशन डाउनलोड कर और डाउनलोड करने के बाद इसे अपने फोन में ओपन कर लेना है तो सबसे पहले तो तो सब नीचे की में आप देखेंगे यहां पर आपको स्मार्ट लोकेशन होगा इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा और यहां पर अलग अलग सर्वर आपको शो हो जाएंगे ठीक है तो जो भी सर्वर आपको कनेक्ट करना है उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और उसके बाद यहां पर आपको अलाउ पर क्लिक करना होगा यहां पर जो है कनेक्टिंग स्टार्ट हो जाएगी अब गज यहाँ पर कुछ ही सेकंड के अंदर जो भी सर्वर आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट सक्सेस भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा अब यहाँ पर यहाँ से हम बैक करेंगे और यहाँ पर कनेक्टेड लिखा हुआ भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर जो है आपका गिफ्ट गिफ्ट कार्ड भी जो यहाँ पर जो शो मी द गिफ्ट यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिलेगा इसके अंदर कुछ गिफ्ट भी आपको जो है मिल जाएगा ठीक है अब यहाँ पर इसकी सेटिंग देखना चाहते हैं तो ऊपर की साइड में इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी जो सेटिंग है वो भी यहाँ पर आप जो ईजिली देख पाएंगे उसके बाद यूज़ करने के बाद अगर आप अपने फ़ोन से आई एन एस प्रॉक्सी से वी को हटाना चाहते हो डिसकनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप जैसे ही स्विच के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर डिस्कनेक्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और एक दो सेकेंड के अंदर ही आपके फ़ोन से जो वी सर्वर जो है डिसकनेक्ट हो जाएगा तो देख सकते हो हमारे फ़ोन से जो वी सर्वर डिसकनेक्ट हो चुका है इस तरह से आप अपने फ़ोन में आई एन एस प्रॉक्सी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं